सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में जानेंगे कि विड्रॉल ब्लीडिंग क्या होती है। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, विड्रॉल ब्लीडिंग को कई लोग रिबाउंड ब्लीडिंग या फिर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या फिर हार्मोनल ब्लीडिंग या फिर फेक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। ये ब्लीडिंग कब होती है? ये ब्लीडिंग तब होती है जब आप कोई हार्मोनल पिल को लेते हो। सपोज करें, अगर आपने मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन ली है, जैसे डेवरी या फिर मैप्रेट के नाम से आप जानते हो, या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है जैसे आई पिल या फिर अनवांटेड 72, या फिर आपने कोई हार्मोनल पिल जैसे नॉर्थिस्ट्रॉन, प्राइमलूट एन, सिसरोन एन या फिर रेजिस्ट्रोन आपने ली है, तो ये भी विड्रॉल ब्लीडिंग को कॉज करती है। ठीक है, लेकिन यूजली लोग जब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को लेते हैं तो फिर उनको सामान्यतः जो विड्रॉल ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो विड्रॉल ब्लीडिंग क्या होती है पहले तो इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, जब आप कोई हार्मोनल पिल को लेते हो, सपोज करें आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को ली है, जैसे आई पिल अगर आपने ली है, तो उसके अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है लेवनोजेस्ट्रोल, जो कि 1.5 मिलीग्राम में होता है और ये एक हाई डोज होती है हार्मोन की। ठीक है, जब आप इसको खाते हो तो फीमेल के अंदर दो ओवरीज होती हैं और इन ओवरीज में दो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन। ठीक है, इस्ट्रोजन ही एक हार्मोन है जो कि कॉज करता है विड्रॉल ब्लीडिंग होने का। जब आप ये पिल खाते हो तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, साथ ही जो इस्ट्रोजन का लेवल है वो भी फॉल होता है और ये कॉज करता है विड्रॉल ब्लीडिंग को। ठीक है, बात करें कि विड्रॉल ब्लीडिंग कब होती है, कितने टाइम पीरियड तक होती है और कितने टाइम पीरियड तक रहती है। तो जब आप कोई पिल खाओगे तो विद इन 10 डेज के अराउंड आपको विड्रॉल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। कितने टाइम ड्यूरेशन तक रहती है? तो यूजली जो विड्रॉल ब्लीडिंग है ये 2 से 3 दिन तक ही परसिस्ट करती है, मैक्सिमम 5 दिन तक। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी दिन तक आपको विड्रॉल ब्लीडिंग है तो अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, अब विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? तो गाइस देखिए, बेशक विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। आपने विड्रॉल ब्लीडिंग के फ्लो रेट को चेक करना है, कब हुई है, कैसी हुई है, उसका कलर कैसा है, क्योंकि विड्रॉल ब्लीडिंग उसी टाइम पीरियड पर होती है जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइज एग था वो यूट्रस में इम्प्लांट हो गया है, इम्प्लांटेशन के दौरान इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है। इम्प्लांटेशन में जो फ्लो रेट है ब्लड का वो बहुत ही कम होता है, स्पॉटिंग टाइप की ब्लीडिंग होती है। विड्रॉल ब्लीडिंग में ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन पीरियड साइकिल से कम होती है। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है तो उसके बाद पीरियड्स कब आएंगे? तो गाइस यूजली जो पीरियड साइकिल है वो 4 से 6 वीक्स के अराउंड ही आती हैं, उससे ज़्यादा टाइम पीरियड का आपने वेट नहीं करना है। लोग दो दो तीन तीन महीने तक वेट करते हैं, फिर उनको उनकी ओवरीज के अंदर फोलिकुलर सिस्ट या फिर ओवरियन सिस्ट देखने को मिल सकती है, सिंपल ओवरियन सिस्ट भी देखने को मिल सकती है। तो इतने टाइम पीरियड का आपने वेट नहीं करना है, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ मेडिसिन से आपके पीरियड्स वापस आ जाएंगे। कुछ मेडिसिन ऐसी भी दी जाती है जिससे के हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए थे वो रेगुलर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, अगर विड्रॉल ब्लीडिंग हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। कंसल्टेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइस, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।